कल प्रियंका का बर्थडे है तो मैं उसके लिए केक लेने के लिए आई हूँ। ये भैया है, भैया केक ले रहा। तो कल तो रात को 12 बजे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और कल सुबह सुबह 6 बजे मैं घर निकल जाऊँगी। हेलो गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू डे विद न्यू ब्लॉग। सो वो आज तो जाना था मुझे घर, लेकिन जो है कल शाम को ही प्लान स्पॉइल हो गया। मैंने और मेरी फ्रेंड ने बहुत प्लानिंग की थी कि हम कोटद्वार में एक दिन रुकेंगे और जो है कहीं घूमने के लिए जाएंगे, सोचा सिद्ध बली के लिए था, लेकिन जो है कल शाम को ही प्लान स्पॉइल हो गया। मुझे कॉल आया कि आपको आना है करके। तो आज 1:30 बजे से मैं वहीं तक थी और अभी 5:30 हो रहा है, तो जस्ट अभी मैं आई हूँ। व्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा घर जाते वक्त बनाऊँगी, लेकिन अब जब आज का दिन वेस्ट हो ही गया है तो आते वक्त जब नहीं जाना था तो मैंने इसके लिए बर्थडे केक भी ले लिया था। तो जस्ट मैं अभी घर पे पहुंच रही हूँ, ठीक है, 4-5 घंटे की बड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद तो मैं अभी घर पे पहुंची हूँ। अब देखते रात में इसको इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते, शायद इसको पता नहीं मैं इसके लिए केक लाई हूँ। थोड़ी नाराज़ भी हो रही है मेरे से, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन देखते अभी रात में बर्थडे सेलिब्रेट करते। और ये देखो घर पहुँचते मुझे क्या मिला, ये आया फ्लिपकार्ट से पार्सल, तो इसकी अनबॉक्सिंग अगले वीडियो में करूँगी। वन मोर थिंग, दिवाली पे गिफ्ट ही गिफ्ट मिल रहे हैं, मतलब अपने पैसों से ऑर्डर किए हुए गिफ्ट मिल रहे हैं। तो एक और चीज़ आई पर्पल से, मेरी बहन ने कुछ अपने लिए प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाए थे, लाइक दिस पपाया फेस वॉश, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और दिस, अरे बहुत सारी चीज़ें, ये समथिंग समथिंग, ये छोटी मोटी चीज़ें उसने अपने लिए मंगाई थी। और मेरे लिए इसमें कुछ नहीं है, इसके अलावा मैं इसको फोड़ूंगी केवल तक। बचपन में जैसे करते थे ना, बड़ा मज़ा आता था इनको खोलने में। मेरे को आ रही है बहुत गंदी वाली नींद, क्योंकि सुबह से ऐसी भाग दौड़ हो रही है, सुबह से भाग दौड़ हो रही है, लेकिन 12 बजे उठना भी है। तो अभी देखती हूँ, सोती हूँ, अगर उठ पाऊँगी तो अलार्म लगा देती हूँ। और मेरे तकिए भी बुरे हाल हो गए हैं, मुझे लगा ये इसका कवर है तो मैंने इसको धुलने के लिए निकाल दिया, लेकिन ये इसका कवर नहीं था, इसके अंदर केवल रुई थी। तो और रुई निकाली तो उसके बीच के टुकड़े हो गए, और पता नहीं कैसी रुई है ये, फर्स्ट टाइम देखी मैंने ऐसी रुई है इसके अंदर। मैं सो जाती हूँ, अलार्म लगाती हूँ 12 बजे का। तो 12 बजने वाले और मैं केक सजाती हूँ अभी। कितने साल की भी मोहतर माँ, 23 साल की। मैं इसने देखो बाल बना के सोई थी, मैंने इसको बोला था कि तैयार होके सोने, इसलिए बाल बना के सोई थी, कैमरा कॉन्शियस। रुक जा, ओ शिट, मैं चाकू लाना भूल गई, एक मिनट। प्रियंका देख, उसी पॉलीथिन में होगा शायद, उसके नीचे जो पॉली है उसमें देख, आई थिंक उसी में होगा। बर्थडे गर्ल, आधी नींद से उठो, एक रंग देना, पूजा में रख देना। खैर चल छोड़, बुझाई दे अभी, अभी कहाँ रखेगी मंदिर में आधी रात को। देख बुझ भी नहीं रही, वो लास्ट वाली रह रखी, देख चल बुझ गई। बहुत तेरा हैप्पी बर्थडे, रंग 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 रंग, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पिंको, हैप्पी बर्थडे टू यू। और बुढ़ापे की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए प्रियंका, पहले तेरा बर्थडे तेरे को खिलाती हूँ, एक बर्थडे गर्ल को पहला केक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हाउ कैन आई फॉरगेट टू अप्लाई ऑन द नो। तेरे को मुंह धुलना पड़ेगा आधी रात में। मेरे मुंह में तो पावर, मेरे बर्थडे बोलना है पागल लड़की, मेरे को भी दिलना पड़ेगा मुंह पर, मैं इतनी आलसी मैंने दे दूंगी। चीची तेरा इसके नाक के अंदर चले गया, कैंडल तो रिमूव कर लेती, केक खाने की इतनी जल्दी थी, कैंडल भी रिमूव नहीं किया।
डेडिकेशन देख रहे हो, लड़की का बाल बना के सोई है ये देखो। तो क्या मित्रगण, आप क्या बधाई या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस लड़की को, कमेंट बॉक्स में लिखना। रात की 11 बजे ये सो जाती है, 10 बजे इसके बाद नहीं उठती है। और मैं सुबह नहीं उठ सकती, इसलिए मैंने कहा मैं रात में विश करूँगी सुबह भूल जाना, मेरी शक्ल भी देखेगी तो 10 बजे तक अभी। और डांस करने की इसकी हिम्मत नहीं है नहीं, क्योंकि अभी अभी धराशायी हो जाएगी, मैं यहाँ से निकली और सीधा बेड में ऐसे लड़की मिली। मैंने आधे होश में मुझे ला रही बार बार के, का फिर खुद खा जा रही है। इसने खा खा के इसको बुर्ज खलीफा बना दिया, ये देखो परफेक्ट आर्किटेक्ट। ये इंजीनियरिंग कहाँ से किया आपने, DBS से? टैलेंट। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो टुडे आई एम मेकिंग समथिंग फॉर हर। तो हलवा बनाते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं मीठे में। मेरी मम्मी ने घी दिया था, इसका आज यूज़ होगा पहली बारी, तो घी एंड हलवा। हम बनाएंगे सूजी। और ये सूजी के पैकेट मैं आपको बताऊँ, 3 महीने पहले मन्नू मेरी आई थी, मतलब जो अभी आई है इससे 3 महीने पहले भी आई थी, तो वो लेके आई थी, उसने मेरे ब्रेड पिज्ज़ा बनाया था। मैंने उसको बोला भी था उसको घर ले जा, लेकिन तब से ऐसे ही पड़ा हुआ 2 महीने से बंद पैकेट। तो आज इसका यूज़ हो रहा है, मेरी आँखें पूरी तरीके से खुली भी नहीं है अभी तक। है खुशबू, तो ये अब टोनी के हिस्से का केक थोड़ा सा ही निकालूंगी, क्योंकि उसको वो बीमार पड़ जाता है ज़्यादा मीठा खाने से। इतना ही देती हूँ फिलहाल। तो ये उसके हिस्से का केक है, वैसे हम उसको मीठा देते नहीं है, पर चलो कभी कभी चलता है। टोनी आओ, पिंकू दीदी का बर्थडे है, ले आजा। अभी तक उसको आइडिया नहीं था उसके लिए क्या है। ओ बेटे आज तो मौज आ गई टोनी आज तो। तो घर जाना आज भी हो गया था कैंसिल, क्योंकि भैया ने बोला मैं भी आ रहा हूँ। तो मैंने तो ये बैग पैक किया था, अरे की वाला बैग पैक किया था, कुछ कपड़े वगैरह फिटिंग कराने थे, तो सोचा मम्मी से करवा दूँगी। लेकिन अब बाइक में जा रहे तो एक ही बैग में सारा सामान फिट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल 6 बजे सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।